सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा बस यही रोक दीजिए, यही रोक दीजिए भैया, ये लीजिए। अर्चना बेटी कैसी है? अच्छी हूँ काकी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे अर्चना बेटी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ काका। अभी आई? हाँ काका, बस वो थोड़ी सी ट्रेन लेट हो गई थी इसीलिए। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। रुक, पहले मुझे जी भर के तुझे देख लेने दे। दिन रात सोते जागते हर सुख दुख में तुझे याद किया बेटा। फिर तो सब बराबर हो गया है, क्योंकि मैंने भी तुझे हर वक्त याद किया, बहुत याद किया। कितनी भीग गई है तू, चल जल्दी से अंदर आ, कपड़े चेंज कर ले, जरा तौलिया लेकर आ। चल, हाँ बेटी, हाँ ये लो भाई। बाबा आप कैसे? बस बेटी, मुझे जो कहना था तेरी आई ने कह दिया। लेकिन सच कहूँ अर्जु, तुझे यहां देखकर मेरी जान में जान आ गई है। क्या है बेटी की तेरी आई एक औरत है, जरूरत पड़े ना तो रोकर अपना दिल हल्का कर सकती है, लेकिन बाप को तो रोने का भी हक नहीं होता। लेकिन आज मैं रोऊंगा बेटी, जी भर के रोऊंगा। इस एक साल का बहुत बड़ा एहसान रहेगा हम पर। इस साल ने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हमारी ताई हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती है। तू कैसी? मैं अच्छी हूँ। वही नहीं पुन्नी, और ये रुचि कैसी है? पहचाना रुचि अपनी हत्या को? अर्जु हत्या पहचाना?
पता है आत्या, जब से रुचि आई है तब से सब उसे ही प्यार करते हैं। मेरी तरह कोई देखता भी नहीं है। नहीं पुन्नी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आपसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम पहले करते थे। अभी रुचि छोटी है ना, इसलिए उसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं, वरना हम सब आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, है ना? आत्या, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। ताई, हमें तो बहुत फिक्र हो रही थी तेरी। तेरी ट्रेन लेट थी ना, और शाम को लड़के वाले आ रहे घर पे। एक तरफ उनका टेंशन, एक तरफ तेरा टेंशन। लेकिन अब तो आ गई, अब कोई टेंशन नहीं है। भैशू, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? अरे किमची चाचा ने मुझे बाहर बताया कि तू आ गई है। मैं सारा काम छोड़कर आ गई तुझे मिलने। और सामान वहीं छोड़ दिया? देखा ताई, शादी मेरी हो रही है लेकिन सारा काम मुझे को करना पड़ता है। अब मैं आ गई ना, तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए सारा काम करूंगी। ताई चल अंदर चल, मैं खाना लगाती हूँ तेरे लिए। ताई तेरा सामान कहाँ है? अरे बुरा, लेकर आती। हाँ चल। परशु, कैसी है? अच्छी हूँ। सच बोल रही है ना? ताई, तुझे आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और तू शुरू हो गई। छोड़ ना, फ्रेश हो जा, फिर बैठ के बात करते हैं। लेकिन वर्षु, ताई, तू तो जानती है ना, बीती बातों में उलझने में मैं बिलीव नहीं करती। जो आज है उसके साथ चलो और आगे बढ़ो, यही मेरी लाइफ का सच है। और वैसे भी आज का दिन इतना अच्छा है, मैं वो सब बातें याद नहीं करना चाहती। बहुत बड़ी हो गई है ना तू, हालात तूने बना दिया, अच्छा ही है। वर्षु सतीश जी, ताई तू मानेगी नहीं ना, जब तक मैं तेरे सामने हूँ ना तेरे सवाल खत्म होंगे और ना तू आराम करेगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ताई, ताई, ताई कैसी है तू? इधर आ जल्दी, इधर आ। एक साल हो गया ताई, एक साल। तुझे बिल्कुल भी याद नहीं आई हम लोग की? बैठना इधर, बैठ। एक साल में एक भी बार तू मुझे मिलने नहीं आई ना, तुझे हम में से किसी की भी याद नहीं आई। तुझे पता है, मुझे तो आज भी टेंशन हो गई थी। मुझे ऐसे लगा कि अगर तुझे लेट हो गया और तू मेरा फंक्शन नहीं अटेंड कर पाई तो, और तेरे बगैर मेरा फंक्शन, नो वे। तुझे पता है, अभी भी सारी शॉपिंग बाकी है, मेरा शालू लेना बाकी है, ज्वेलरी सारी बाकी है। और बस बस बस, बहुत खुश है ना तू? खुशी का मौका जो है तू आ गई है और मेरी शादी भी तो तय हो गई है। ये वही वही इशू है क्या जो पहले कहा करती थी? ताई मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे बहुत डर लगता है वगैरह वगैरह। एक साल ताई, एक साल में तख्ता पलट हो जाता है तो मेरा दिल क्या चीज है? बस हो गया पलट। सही कह रही है वैश, एक साल में बहुत कुछ बदल जाता है। ताई मैं ठीक हूँ, बस बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आई हूँ तो इन दीवारों को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। अर्जुन चल बेटा खाना खा ले। आई अरे इतने कांड लो, बाहर टेबल पर इतना पसारा है ना, बैठकर खाने की जगह ही नहीं है, इसीलिए यहाँ खाना लेकर आई। यहाँ बैठकर आराम से खाना खा। और जरा इसे समझा, इसकी शादी होने वाली है लेकिन जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है। अर्जुन आई प्लीज, तेरे डांटने का कोटा सुबह ही पूरा हो गया, अब तू मुझे नहीं डांट सकती। वैशो ताई समझा ना इसको। आई तू इसकी चिंता बिल्कुल मत कर, अब मैं आ गई ना, इस पगली को अच्छे से समझा दूंगी। आई नहीं अर्जुन, बेटा अभी नहीं, मैं जानती हूँ कि तू क्या पूछना चाहती है लेकिन अभी अभी तो तू आई है, ये सारी बातें बाद में करेंगे। हाँ लेकिन सच कहूँ, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। आज तो इतना पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ।
बेटा यही समय है अपनी नई जिंदगी शुरू करने का। देखो रुचि, आज सब मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने अच्छे से बिहेव करना, रोना वोना नहीं, कोई भी गोद में उठाए तो सुसु मत करना। क्या बातें हो रही है पुन्नी? आत्या, गुड गर्ल कैसे बनते हैं वो रुचि को सिखा रही हूँ। आधी स्वतःला जाऊन आरशात बघ। क्या आजी? अपनी छोटी बहन को ये भी सिखाना कि दूध पीते वक्त तुम्हारे जैसे नखरे ना करे। आपको पता नहीं आजी, ये तो मुझसे भी ज्यादा रोती है। वैसे दूध तो पी लेती है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ समझाना पड़ता। आत्या, परसों आत्या की शादी में मानव काका पूरे 5 दिन यहाँ पे आए थे, इस बार वो नहीं आएंगे? मुझे अभी भी याद है वो मेरे लिए चॉकलेट ले आया करते थे। इस बार मैं पुन्नी के लिए चॉकलेट लाऊंगी रोज। सुलोचना, मुझे लगता है ये मीठा कुछ कम पड़ जाएगा, मार्केट से और मंगवा ले, बाकी रह जाएगा तो ठीक है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए, क्यों माँ? हाँ सुलोचना, निर्मला सही कह रही है। आई, मैं अभी लेकर आता हूँ। दादा, मैं चाहती हूँ दादा आप यही रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। दादा गुलाब जामुन है? हाँ। 1 किलो गुलाब जामुन दे दीजिए जल्दी से। जी। और जलेबी क्या भाव दी? ये भी 80 रुपए। यार मानो, ये अर्चना का घर है ना? यार जब भी तू इस जगह से गुजरता है ना, एक पल के लिए यहाँ रुक जाता है। अगर इस घर से इतना ही लगाव है तो एक बार अंदर क्यों नहीं जाता? नहीं यार, ना ही वो रिश्ता है और ना ही वो अधिकार। शाम को मिलूं जो मैं तुझे, तो बुरा सुबह ना जाने क्यों कुछ मान जाती है ये। तड़पा के मुझको जलाती है ये। धीरू मैं धीरे धीरे जलने का ये गम, धीरू इन गोरे गोरे हाथों से हमदम, धीरू है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग दिन कुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग इश्कतारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेफरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, मुझे है हारे मैं निभाने दो जहां, मैं निभाने दो जहां।
लगता है कुछ फंक्शन है आज। अच्छा एक बात बता यार मानव, ये अर्चना उसके बारे में कुछ पता चला? छोड़ना यार, अब जान के भी क्या करना है। एक मिनट से पकड़, एक मिनट को फोन आ रहा है। अच्छा हाँ, अरे चुप हो जा मेरे बेटा, चुप हो जा। ये बच्चा आपका है? जी नहीं, ये मेरे दोस्त का बेटा है। पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा है। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे चुप करा देती हूँ। जी ये लीजिए। सचिन का है? अरे यार, जब से तू सचिन को पकड़ा कर गया चुप ही नहीं हो रहा था, लगातार रोए जा रहा था। तभी एक भली औरत आई और बोली कि मैं चुप करवा देती हूँ। मैंने उसे दे दिया, वो चुप करा रही है, वो दे। तू भी ना यार, जान ना पहचान किसी के भी हाथ में दे देता है। अरे यार रो रहा था बच्चा। सो गया? हाँ सो गया। अरे ये चमत्कार तो सिर्फ इसकी आई कर सकते, कमाल है। पर ये क्या है यार, उस औरत के खिलाते खिलाते माथे पर तिलक लग गया होगा और क्या। बिल्कुल माँ की तरह प्यार किया, लगता है उस माँ का ही आशीर्वाद है। चल पुऱ्या झाल्या की मग कांद्याची भजी तळूया गरमागरम। पुऱ्या बास होतील एवढ्या? नाही, मला वाटतं अजून थोड्या तळाव्या लागतील। आणि हो, बासुंदीला जायफळ लावलं ना उगाळ। अर्चू क्या बात है, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? आई तुझे पता है, अभी मैं बाहर गई थी ना, वहां एक छोटा सा बच्चा था, वो अपनी काका की गोद में था, लेकिन लेकिन बहुत जोर जोर से रो रहा था। लेकिन वो जैसे ही मेरी गोद में आने, वो अचानक से चुप हो गया और सो गया। ऐसे लगा जैसे बरसों से मुझे जानता है। अच्छा, लेकिन वो था किसका बच्चा? नहीं जानती, लेकिन ऐसे लगा जैसे किसी अपने का था। आई, दादा कहाँ है? वो अपने कमरे में। तुझे पता है अर्जुन, वो जब भी इस घर में आता है अपने कमरे में थोड़ी देर जरूर जाता है, वहां बैठता है, लगता है जैसे
अपने अतीत से कुछ देर बात करता हूँ। तू रुकाई, मैं दादा को देख कर आती हूँ।